हाय एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो पर। सो दोस्तों, आप लोग का पिछले बहुत सारे वीडियो पे भर भर के कमेंट आ रहा था कि हम NX Radio MT2201 एम्पलीफायर को ले या जिपर लैब Z8 एम्पलीफायर को ले, इन दोनों एम्पलीफायर के बारे में हमें डिटेल जानकारी दीजिए। तो गाइस यार, आज के इस वीडियो में कंप्लीट आप लोग को इन दोनों एम्पलीफायर के बारे में डिटेल और स्पेसिफिकेशन जानकारी देने वाला हूँ। इन दोनों एम्पलीफायर में से कौन सा एम्पलीफायर लेना चाहिए, कौन सा एम्पलीफायर हमारे लिए बेटर रहेगा ताकि सुपर साउंड क्वालिटी निकाल कर दे सके। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में सारा आप लोग को डिटेल इन दोनों एम्पलीफायर के बारे में बताएंगे कि कौन सा एम्पलीफायर बेस के लिए सही होता है और कौन सा एम्पलीफायर टॉप और बेस दोनों चलाने के लिए सही होता है। साथ ही गाइस, इस दोनों एम्पलीफायर के प्राइस के बारे में भी बात करेंगे कि Z8 एम्पलीफायर का कितना प्राइस देखने को मिल जाएगा मार्केट में और MT2201 का कितना देखने को प्राइस मिल जाएगा। ऐसा दोस्तों, ये वीडियो कंपेयर वीडियो नहीं है, क्योंकि ये वीडियो केवल आप लोग को नॉलेज देने के लिए। ऐसे दोस्तों, दोनों एम्पलीफायर काफी बेस्ट क्वालिटी का है, बट हमारे लिए कौन सा बेस्ट है ये आप लोग को इस वीडियो में मालूम चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं PSTJ ब्लॉग नंबर 1। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या गाइस उसका यूजर आईडी आप लोग स्क्रीन पर भी शो हो जाएगा। आप लोग के मन में जो भी साउंड सिस्टम से रिलेटेड सवाल है तो आप लोग मुझे वहां पर DM यानी मैसेज करके पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई आप लोग को तुरंत ही मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, दोनों ही एम्पलीफायर का डिटेल और स्पेसिफिकेशन एक ही बार में समझाएंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। तो गाइस यार, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जिपर लैब्स डुअल चैनल पावर एम्पलीफायर के बारे में, जिसका मॉडल नंबर आप लोग को Z8 देखने को मिल जाएगा। और गाइस यार, दूसरे तरफ जो मेरा एम्पलीफायर है NX Radio डुअल चैनल पावर एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप लोग को MT2201 देखने को मिलेगा, जो कि दोनों ही एम्पलीफायर नंबर 1 क्वालिटी का है। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा दोनों एम्पलीफायर का सेल है, बहुत सारे DJ वाले भाई लोग इन दोनों एम्पलीफायर पर भरोसा करके लेते हैं, जो कि सुपर साउंड क्वालिटी निकाल कर देता है। बट गाइस, यहाँ पर दोनों एम्पलीफायर में से कौन सा एम्पलीफायर ज़्यादा बेस निकाल कर दे देगा और किस वाले एम्पलीफायर पे टॉप भी चला सकते हैं और बेस भी एक साथ रन कर सकते हैं, जो कि सुपर साउंड क्वालिटी हमारे सेटअप में निकाल कर दे सके। तो गाइस यार, सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों एम्पलीफायर के पावर आउटपुट के बारे में कि कौन सा एम्पलीफायर का कितना पावर आउटपुट आप लोग को कितने ओम पे देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यार, जिपर लैब्स के पावर आउटपुट के बारे में बात करेंगे तो इसका पावर आउटपुट आप लोग को 4000 वाट दोनों चैनल पे RMS में देखने को मिल जाएगा। और गाइस, MT2201 का पावर आउटपुट आप लोग को फोरम पे 3600 वाट दोनों चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर जो MT2201 एम्पलीफायर है जिपर लैब्स Z8 एम्पलीफायर से 400 वाट जिसका पावर फोरम पे कम देखने को मिल गया। तो गाइस यार, आप लोग समझ सकते हैं कि जो जिपर लैब्स Z8 एम्पलीफायर है पावर के मामले में 400 वाट MT सीरीज से आगे जा रहा है। चलिए गाइस, बात कर लेते हैं 8 ओम के बारे में। तो 8 ओम पे जिपर लैब्स का पावर आउटपुट आप लोग को 2450 वाट देखने को मिलेगा दोनों चैनल पे RMS में। यहीं पे गाइस, MT2201 में 8 ओम पे 2250 वाट देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यार, यहाँ पर भी 200 वाट MT2201 पीछे चला गया Z8 एम्पलीफायर से। अब गाइस, हम बात करेंगे 2 ओम के बारे में। तो 2 ओम पे आप लोग को जिपर लैब्स एम्पलीफायर रिकमेंड नहीं करता है, जो कि NX Radio में आप लोग 2 ओम ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि 2 ओम पे NX Radio में MT2201 में आप लोग 4000 वाट तक का लोड डाल सकते हैं, जो कि 4000 वाट आप लोग को दोनों चैनल पे निकाल कर दे देगा। तो गाइस, यहाँ पर ये प्लस पॉइंट है NX Radio MT2201 में, क्योंकि अगर आप लोग को 2 ओम पे 4 टॉप रन करना हो गया हैवी वाटेज का, तो आप लोग NX Radio के एम्पलीफायर पे रन कर सकते हैं। लेकिन गाइस, जिपर लैब्स Z8 एम्पलीफायर जो है उसके अंदर आप लोग को 2 ओम का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, जो कि कंपनी यहाँ पर 2 ओम स्टेबल एम्पलीफायर नहीं इसको मानती है। तो गाइस यार, आप लोग ऑपरेट करते समय ध्यान में रखना होगा कि आप लोग का जिपर लैब्स Z8 एम्पलीफायर जो है 2 ओम स्टेबल नहीं है, आप लोग इसे 4 ओम और 8 ओम पर ही ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि NX Radio का अगर आप लोग 2 ओम पे ऑपरेट करना चाहें तो इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। लाइफ टाइम भी ऑपरेट कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो कि 4000 वाटेज आप लोग को एक एक चैनल पे निकाल कर दे देगा। तो गाइस यार, यहाँ पर आप लोग को प्लस पॉइंट है कि आप लोग टॉप इस वाले एम्पलीफायर पे चला सकते हैं, लेकिन गाइस, जिपर लैब्स Z8 एम्पलीफायर पे नहीं चला सकते हैं, क्योंकि गाइस
वो फोरम पे ज़्यादा पावर निकाल कर दे रहा है। तो फोरम पे आप लोग को टॉप चलाने के लिए हेवी क्वालिटी का टॉप होना चाहिए जो कि 4000 वाटेज का होना चाहिए। तो कहीं सर 4000 वाटेज का कौन टॉप आजकल बनाता है? 4000 वाटेज का टॉप बनाइएगा तो उसके अंदर से मिड और हाई फ्रिक्वेंसी बिल्कुल नहीं गायब हो जाएगा, केवल उसमें आप लोग को बेस का क्वालिटी मिलेगा। तो गाइस सर टॉप आप लोग जेड एटम फायर पे नहीं चला सकते हैं, लेकिन एनएक्स आईडीओ पे चला सकते हैं क्योंकि इसमें आप लोग को 2M का ऑप्शन मिल जाता है जो कि आप लोग 1700 और 1800 वाटेज का टॉप इजीली 4 टॉप चला सकते हैं। गाइस सर बात करेंगे दोनों एम फायर के डंपिंग फैक्टर के बारे में। तो गाइस सर दोनों ही एम फायर का डंपिंग फैक्टर आप लोग को 1000 देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी है, बेस्ट है। एनएक्स आईडीओ में भी 1000 मिलेगा और गाइस जेड एट में भी आप लोग को 1000 मिलेगा। तो दोनों एम फायर डंपिंग फैक्टर के मामले में टक्कर का एम फायर है जो कि सुपर आप लोग को पंच बेस में दे देगा जो कि वाइब्रेशन भी काफ़ी देगा। लेकिन गाइस यहाँ पर जो जेड एट एम फायर है उसके अंदर आप लोग को एक्स्ट्रा बेस एम्पलीफायर देखने को मिल जाता है, क्योंकि गाइस यहाँ पर कंपनी मेंशन की है कि इस एम्पलीफायर से आप लोग एक्स्ट्रा बेस निकाल सकते हैं अदर एम्पलीफायर के मुकाबले। तो गाइस यहाँ पर जो एनएक्स आईडीओ का MT2201 एम्पलीफायर है उसके मुकाबले जेड एट एम्पलीफायर है उसमें आप लोग को ज़्यादा बेस मिलेगा, इससे कई गुना ज़्यादा आप लोग को बेस पंच और वाइब्रेशन मिल जाएगा। तो गाइस यार अगर आप लोग एक बेस के लिए परफेक्ट एम्पलीफायर लेना चाहते हैं, प्रोफेशनल क्लास का पंच और वाइब्रेशन चाहते हैं कि हमारे साउंड सिस्टम में ज़्यादा वाइब्रेशन और ज़्यादा पंच मिले, तो आप लोग बेस चलाने के लिए जेड एट एम्पलीफायर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर MT2201 भी एम्पलीफायर पीछे नहीं है, उससे इसमें भी आप लोग बेस चला सकते हैं, लेकिन 10-15% आप लोग को बेस का क्वालिटी जीपर लैब्स जेड एट एम्पलीफायर में देखने को मिल जाएगा। गाइस यार बात करेंगे दोनों एम्पलीफायर के क्लास के बारे में। तो गाइस यार दोनों एम्पलीफायर के क्लास आप लोग को डी देखने को मिल जाएगा जो कि दोनों एम्पलीफायर में आप लोग को सेम टेक्नोलॉजी का सर्किट बोर्ड का यूज किया गया जो कि आपके लिए काफी बेस्ट है। इस एम्पलीफायर के अंदर आप लोग को एक एक फैन देखने को मिल जाएगा जो कि आप लोग इसके बैक पैनल पे देख सकते हैं कि दोनों पे एक एक फैन यहाँ पर मेंशन की है कंपनी ने, जो कि एक एक फैन आप लोग को चलेगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किसी एम्पलीफायर में 2 फैन होता है लेकिन इसके अंदर एक फैन है जो कि क्लास डी से आता है, तो एम्पलीफायर काफी ज्यादा कम हीट होगा। पर जिपर लैब्स का फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स आप लोग को 20 से 1 किलोहर्ट्ज तक देखने को मिल जाएगा। यहीं पे गाइस एनएक्स आईडीओ में आप लोग को फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स 20 से 20,000 हर्ट्ज तक देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यार जेड एट एम्पलीफायर उसमें आप लोग को बेस का फ्रिक्वेंसी मिलेगा, लेकिन गाइस जो एनएक्स आईडीओ MT2201 एम्पलीफायर है उसमें आप लोग को मिड और टॉप का भी काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का साउंड आएगा जो कि आप लोग इस पर चला सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि आप लोग एनएक्स आईडीओ पे बेस भी चला सकते हैं और टॉप भी चला सकते हैं, लेकिन जिपर लैब्स जेड एट एम्पलीफायर पे आप लोग टॉप नहीं चला सकते हैं, जो कि टॉप चलाइएगा तो आप लोग को बेस का क्वालिटी मिलेगा। इसके नेट वेट के बारे में बात करेंगे तो जिपर लैब्स का नेट वेट आप लोग को 38 kg 500 ग्राम देखने को मिल जाएगा। यहीं पे गाइस एनएक्स आईडीओ का नेट वेट आप लोग को 35 kg 500 ग्राम देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यार वजन में थोड़ा ज़्यादा आप लोग को देखने को मिल जाएगा 3 kg जेड एट एम्पलीफायर, क्योंकि उसके अंदर बेस का क्वालिटी का एम्पलीफायर है तो उसमें आप लोग को थोड़ा वजन ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। यहीं पे गाइस अब हम बात करेंगे दोनों एम्पलीफायर के प्राइस के बारे में, जो कि प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस करेगा कि कौन सा एम्पलीफायर हम लें, क्योंकि गाइस हमारे डीजे वाले भाई लोग जितने भी होते हैं थोड़ा कम प्राइस रेंज में अच्छा क्वालिटी का एम्पलीफायर लेना चाहते हैं। तो गाइस यार यहाँ पर प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा कि हम जेड एट एम्पलीफायर को लें या एनएक्स आईडीओ का MT2201 एम्पलीफायर का ले। तो गाइस यार प्राइस के बारे में बात करेंगे तो गाइस यार जिपर लैब्स जेड एट एम्पलीफायर का प्रोक्स प्राइस आप लोग को 85,000 से 90,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा, जो कि इतने प्राइस रेंज में आप लोग जिपर एम्पलीफायर का जेड एट सीरीज का एम्पलीफायर ले सकते हैं जो कि सुपर पंच और वाइब्रेशन निकाल कर दे देगा। अगर आप लोग केवल बेस चलाने के लिए एम्पलीफायर लेना चाहते हैं तो जेड एट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आप लोग टॉप और बेस भी चलाना चाहते हैं तो आप लोग एनएक्स आईडीओ की तरफ जा सकते हैं, जिसका प्रोक्स प्राइस आप लोग को 70,000 से 75,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा, जो कि ए वी एम फायर इसके मुकाबले और टक्कर का है। लेकिन गाइस थोड़ा बहुत आप लोग को डिफरेंस अलग अलग कंपनियों के अलग अलग एम्पलीफायर में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर प्राइस में काफ़ी ज़्यादा आप लोग को डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, जो कि एक एम्पलीफायर आप लोग को 90,000 में मिलेगा और एक एम्पलीफायर आप लोग को 75,000 में मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर प्राइस के मामले में 18 से 20,000 का गैपिंग देखने को मिल जाएगा। तो गाइस सर आप लोग अब अपना डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा एम्पलीफायर बेटर है, जो कि दोनों एम्पलीफायर का आप लोग को डिटेल और स्पेसिफिकेशन पूरा स्टेप बाई स्टेप आप लोग को डिटेल में समझाने की कोशिश की है। गाइस यार ये वीडियो कंपेयर वीडियो नहीं है, आप लोग को केवल नॉलेज देने के लिए है कि दोनों में से आप लोग लेना चाहते हैं तो कौन सा एम्पलीफायर को ले सकते हैं। लेकिन गाइस मेरा राय पूछिएगा तो आप लोग
NXIDO MT2201 mm फायर का ले सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आप लोग केवल बेस के लिए एक mm फायर लेना चाहते हैं जो कि उस पर केवल बेस चलाना चाहते हैं तो आप लोग Z8 mm फायर को ले सकते हैं, जो कि इसके टक्कर में कोई mm फायर आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। इसके टक्कर में बेस के मामले में MT2201 भी mm फायर नहीं है। तो गाइस सर आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि टॉप और बेस चलाने के लिए कौन सा mm फायर ले और केवल बेस चलाने के लिए कौन सा mm फायर ले। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग इस दोनों mm फायर के बारे में क्या राय देते हैं आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। NXIDO का mm फायर अगर आप लोग यूज करते हैं तो कैसा रिस्पांस देता है उसके बारे में भी कमेंट में आप लोग रिप्लाई दीजिएगा। और गाइस Z8 जो mm फायर है उसका रिस्पांस अगर आप लोग यूज करते होंगे तो कैसा आता है उसका भी आप लोग राय अपना नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आई होप कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग का साउंड सिस्टम से रिलेटिव जो भी सवाल है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।